मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त 29 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मेमोरी एंड कैलकुलेटर किंग डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे और आप सीख रहे हैं वैदिक मैथ्स। क्या होता है वैदिक मैथ्स? वैदिक मैथ्स इज अ सुपर फास्ट वे ऑफ मेकिंग ऑल मैथमेटिकल कैलकुलेशन ईजी एंड फास्ट। और वैदिक मैथ्स में आप सीख रहे हैं मल्टीप्लीकेशन सीरीज के बारे में, जिसमें आप बड़ी से बड़ी मल्टीप्लीकेशन को तेजी से और आसानी से सोल्व कर लेते हैं। और काफ़ी सारी वीडियोज ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, उनकी प्लेलिस्ट का एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी तक अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, और साथ ही टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा ताकि आपको वहां पे प्रैक्टिस सेट भी मिल पाए, क्योंकि मैथ्स का मतलब है प्रैक्टिस करना। अगर आप अपनी कैलकुलेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हमने आपके लिए बना रखे हैं। अब हम बात करते हैं बेस मल्टीप्लीकेशन की। बेस मल्टीप्लीकेशन में भी तीन तरीके के टाइप होते हैं, टाइप वन, टाइप टू और टाइप थ्री। आज हम टाइप थ्री सीखने वाले हैं, क्योंकि टाइप वन टाइप टू ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूं। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो एक बार हल्का सा रिव्यू मैं करा देता हूं, और चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वैदिक मैथ्स की और मेमोरी टेक्निक्स की एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए सबसे पहले एक बार हम देखते हैं टाइप वन के बारे में। तो टाइप वन में हमने देखा था, मान लीजिए एक नंबर है 998 × 996, ठीक है। तो बेस मल्टीप्लीकेशन कहता है कि कोई भी जो नंबर्स है अगर वो किसी पर्टिकुलर बेस के नियर है। क्या होता है बेस? सिंपली वी कैन सी पावर्स ऑफ 10, 10, 100, 1000, 10,000, 10 lakh, 10 lakh, ये सारे बेसिस हैं। तो इन दोनों का जो बेस है वो बेस क्या बनेगा? 10 या 100 नहीं, इनका बनेगा 1000। बेस है यहाँ पे 1000 क्यों है? क्योंकि 1000 में 30 हैं और ये एक 3-digit नंबर है। कहने का मतलब मेरा ये है 101 से लेकर 999 तक का जो बेस बनेगा वो क्या बनेगा? 1000। अगर मैं आपसे पूछा 112 तो बेस होगा 1000, और मैं पूछता हूँ 897 तो भी बेस होगा 1000। तो इसका सॉल्यूशन जल्दी से कैसे करते हैं? सॉल्यूशन करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों एक बेस के नियर होने चाहिए। अब नियर दो तरीके से हो सकते हैं, बिलो द बेस और अबव द बेस। तो बिलो द बेस की अगर मैं बात करूँ तो अगर बेस है 1000 तो 981 से लेकर 999 तक ये वो रेंज है जिनको हम कह सकते हैं बिलो द बेस। अगर बेस में 100 मानूं तो 81 से लेकर 99 तक ये वो रेंज है जो बेस के नियर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? बेस से डिफरेंस देखना है। इसका डिफरेंस है 2, इसका डिफरेंस है 4। क्योंकि डिफरेंस है, डेफिशिएंसी है तो माइनस है। अब हम क्या करते हैं? क्रॉस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मैं जल्दी जल्दी से बता रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मैं इस पे वीडियो बना चुका हूं, डिटेल में आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्रॉस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, या तो 2 मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 996 में से, या 4 सब्ट्रैक्ट करूंगा 998 में से। आंसर सेम आएगा और वो होगा आपका LHS आंसर। तो मान लीजिए 2 मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो ये है 994, ये आपका LHS आंसर आ गया। और RHS आंसर के लिए क्या करना है आपको? RHS आंसर के लिए जो आपकी डेफिशिएंसी बोले या कॉम्प्लीमेंट बोले या डिफरेंस बोले, एक ही बात है। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और ये जो डेफिशिएंसी इनको मल्टीप्लाई कर 2, 4 जा 8। बस ध्यान रखने वाली बात ये है कि जितनी बेस में जीरो होती है उसके आगे हम उतनी ही जीरो लगा देंगे। कहने का मतलब क्या है? राइट हैंड साइड में उतने ही हम डिजिट बनाएंगे जितनी हमारी बेस में जीरोज हैं। और डिटेल से आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और आप चेक कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ये है टाइप वन, ये हम सीख चुके। टाइप टू में हमने सीखा था, मान लीजिए एक नंबर है हमारा 1006 × 1002। तो यहाँ पे हम बेस काम करेंगे। देखिए बेस भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्चुअल बेस, जैसे कि 1000 एक्चुअल बेस है। तो यहाँ पे जो एक्चुअल बेस होगा, क्योंकि एक 4-digit नंबर है तो एक्चुअल बेस है यहाँ पे 10,000, बट यहाँ पे एक्चुअल बेस नहीं चाहिए, एक्चुअल बेस काफ़ी दूर है, तो यहाँ पे चाहिए नियर बेस। और नियर बेस यहाँ पे क्या है? 1000 नियर बेस। तो जब भी हम अबव द बेस की बात करेंगे, बिलो द बेस में हमेशा एक्चुअल बेस लेंगे और अबव द बेस में हम नियर बेस के कंसेप्ट पे काम करेंगे, ठीक है। तो नियर बेस है 1000, अब ये 1000 से कितना ज़्यादा है? +6। तो जो ये है इसको आप सरप्लस बोलो या आप एक्सेस बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। यहाँ +2,
या तो 2 में 1006 में ऐड करूंगा या 6 में 1002 में ऐड करूंगा। तो 2 मैंने ऐड किया तो 1008, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड आंसर आ चुका है। और राइट हैंड साइड आंसर के लिए मैं क्या करना है, मुझे 6 और 2 जो मेरे सरप्लस है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 टू जा 12, क्योंकि बेस में 3 जीरो है इसलिए एक जीरो यहां पे लगा देंगे। ये जी आंसर आ गया, ऑलरेडी सिखा चुका हूं। और ये जो वीडियो है इसमें हम टाइप 3 सीखेंगे, यहां तक हमारा टाइप 2 हो चुका है। अब अपन बात करेंगे टाइप 3 की। तो टाइप 3 को अब हम डिटेल्स में सीखते हैं। अब टाइप 3 में क्या होगा, टाइप 3 में होगा कि जो दोनों नंबर हैं वो एक बेस के नियर होंगे, बट एक जो नंबर होगा वो बिलो द बेस होगा, एक नंबर होगा वो अबव द बेस होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक नंबर है 98 × 1002, ठीक है। तो यहाँ पे एक नंबर है बिलो द बेस, एक नंबर है अबव द बेस, तो 98 का एक्चुअल बेस लेंगे और 102 का नियर बेस लेंगे और दोनों का जो बेस है वो क्या बनेगा, 100 बनेगा। 198 का एक्चुअल बेस है और 102 का नियर बेस है, तो यहाँ पे है 100, ठीक है जी। अब 100 से 98 का डिफरेंस देखें, डिफरेंस है -2 और यहाँ पे सरप्लस देखेंगे वो है +2। तो यहाँ पे या तो हम क्रॉस ऐड करेंगे या हम क्रॉस सबट्रैक्ट करेंगे, दोनों में से एक चीज करेंगे, आंसर सेम आएगा। या तो 2 को मैं माइनस करूंगा 102 में से या मैं 2 प्लस करूंगा 98 में। अगर मैं 2 प्लस करता हूं तो भी 100 आएगा और 2 माइनस करता हूं तो भी 100 आएगा। चाहे आप क्रॉस ऐड करें चाहे आप क्रॉस सबट्रैक्ट करें आंसर सेम आएगा, वो होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड आंसर, ठीक है। तो मैंने 2 माइनस किया 100, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड आंसर है। अब राइट हैंड साइड आंसर के लिए मुझे क्या करना है, राइट हैंड साइड आंसर के लिए मुझे करना है कि जो मेरा कॉम्प्लीमेंट है और जो मेरा सरप्लस है इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 × 2 = 4, यहां पे आया जी 4। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पे 2 जीरो हैं इसलिए डिजिट भी 2 होंगे, तो इनको इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक जीरो लगा देते हैं। बट यहां पे एक चीज और थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है, वो ये कि माइनस और प्लस का सिंबल है, माइनस माइनस प्लस हुआ था बिलो द बेस में और प्लस 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 होता है अबव द बेस में। अब क्योंकि ये जो है मिक्स्ड नंबर्स हैं तो यहाँ पे माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और वो माइनस ऊपर बार के रूप में लग जाता है। इसका मतलब है कि ये जो राइट पार्ट है ये नेगेटिव है। अब इस बार को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, इसको रिमूव करने के लिए जस्ट इतना करना है कि यहाँ पे माइनस वन करना, ये हो जाएगा 99 और जो 04 है तो 04 पे एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो मैं हमेशा बोलता आया हूँ, लिख लीजिए वो फॉर्मूला अगर नहीं लिखा, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, अगर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो राइट हैंड साइड आंसर आ जाएगा। तो करना क्या है, लास्ट वाले डिजिट को 10 में से माइनस करना, ऑल फ्रॉम 9, बाकी सबको 9 में से माइनस कर दूंगा, राइट हैंड साइड आंसर आ जाएगा। तो 9 में से 0 9, 10 में से 4 6, कंप्लीट आंसर ये रहा आपके सामने। छोटा सा थोड़ा सा फोकस करने की रिक्वायरमेंट है, एक बार समझ आ गया तो मज़ेदार है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल हमने लिया 106 × 97, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या है, 100 है, 100 इसका नियर बेस है, इसका एक्चुअल बेस है, 100 है। तो यहाँ पे लिखा हमने 100, यहाँ पे सरप्लस है +6, यहाँ पे डिफरेंस है -3, या तो 3 माइनस करेंगे या 6 प्लस करेंगे, या तो क्रॉस ऐड करेंगे या क्रॉस सबट्रैक्ट करेंगे। तो मान लीजिए हमने 3 को माइनस किया तो ये है 103 और 6 × 3 = 18 होता है, 18 एक 2 डिजिट नंबर है और 100 में 2 जीरोज हैं, तो यहाँ पे हमें जीरोज एक्स्ट्रा पेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि 2 डिजिट नंबर है, बट प्लस और माइनस क्या हुआ, माइनस। तो ये जो 18 है इसके ऊपर एक बार लगा देंगे, इस बार को रिमूव करना है तो माइनस 1 कर देंगे यहाँ से, तो 102, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आंसर आ गया। और राइट हैंड साइड आंसर के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, किस पे, 18 पे। तो 18 पे अप्लाई करेंगे तो 9 में से 1 8 और लास्ट वाला डिजिट 10 में से, 10 में से 8 2, कंप्लीट आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक नंबर है 1007 × 998, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इन दोनों का इसका नियर बेस जो है वो 1000 है और यहाँ पे एक्चुअल बेस भी 1000 है, 1000। यहाँ पे जो सरप्लस है वो +7 है, यहाँ पे डिफरेंस जो है वो -2 है,
ठीक है, या तो 2 माइनस करेंगे या 7 प्लस करेंगे, तो 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1005 लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड के लिए 7 2 14। अब देखिए 14 एक 2 डिजिट नंबर है और जो बेस है उसमें 3 जीरोज हैं, तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, जीरो लगाएंगे आगे। अब ये एक 3 डिजिट नंबर बन गया और ऊपर क्या लगाएंगे हम, एक बार, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। इस बार को रिमूव करने के लिए 1 माइनस करेंगे 1004, ये फाइनल मेरा LHS आंसर आ गया। और RHS आंसर के लिए अप्लाई करेंगे ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, तो उसके लिए क्या करना है, लास्ट वाला जो डिजिट है वो 10 में से और इन दोनों को 9 में से सबट्रैक्ट करेंगे, तो 9 में से 0 9, 9 में से 1 8, 10 में से 4 6, कंप्लीट आंसर। ठीक है, एक फाइनल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है मेरा 1011 इंटू 999। अब देखिए अगर इसका सॉल्यूशन करना है तो यहाँ पे 1000, यहाँ पे जी प्लस 11, यहाँ पे माइनस 1, ठीक है, सरप्लस कितना है और माइनस 1। अब क्या करेंगे, या तो 1 को माइनस करेंगे 1010, या 11 इसमें प्लस कर देंगे, या तो क्रॉस ऐड करेंगे या क्रॉस सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 11 1 जा 11, और अब आगे हम क्या कर लेते हैं, हम लगा लेते हैं एक जीरो, और ये ऊपर है बार। अब इस बार को रिमूव करना है तो ये हो गया 1009, और 9 में से 1 8, और लास्ट में 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, कंप्लीट आंसर। इसका जो प्रैक्टिस सेट है वो जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आपको ये प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं और प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो ऐसी वीडियोस का कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। चाहे आप वैदिक मैथ सीखें चाहे आप नॉर्मल मैथ सीखें, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। हाँ, वैदिक मैथ्स में डिफरेंस ये है कि जब वैदिक मैथ्स में प्रैक्टिस होती है तो आपकी कैलकुलेशन नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कैलकुलेशन नेक्स्ट लेवल पे जाए तो एक भी वीडियो को मिस नहीं करना। अगर आप पहली बार चैनल पे है तो सिर्फ ये वीडियो नहीं देखना, पूरी की पूरी सीरीज देखना। पूरी सीरीज तभी हम बना रहे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप A to Z आपको चीज़ें बताते हुए चल रहे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट सारे आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो कैसा लगा, जितने ज़्यादा आप कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स कीजिए, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कमेंट्स कीजिए। जितने ज़्यादा आप कमेंट्स करते वहीं से आइडियाज़ मिलते और आगे आगे क्या करना है, ठीक है। और आपके एक एक कमेंट को मैं पढ़ता हूँ तभी मैं रिप्लाई करता हूँ। और वीडियो पसंद आए तो थम्स अप लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।